गुड मॉर्निंग गाइस, तो मैं हो चुका हूँ तैयार और अब मैं जा रहा हूँ बाहर। और ट्रैफिक पार करते हुए मुझे जाना पड़ेगा और मैं देखता हूँ जैसे जैसे मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो ब्रेकफास्ट अगर कर लिया था मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम की कमी के कारण सुबह सुबह मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाता, पर कोशिश करूँगा कि मैं जितना रिकॉर्ड कर पाऊँ। बस अब मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ पार्किंग से और फिर करता हूँ आपसे। सो लंच करके मैं कर रहा हूँ अभी वॉक। और सुबह एक चीज़ बहुत अच्छी हुई कि आज मैं काफ़ी जल्दी निकल गया था, तो मुझे ट्रैफिक बहुत कम मिला और मैं काफ़ी जल्दी भी पहुँच गया। और वही है कि 15 से 20 मिनट जो मैं वॉक करता हूँ वो कर रहा हूँ। और मैं आया हूँ पार्क वाली ही साइड हूँ, तो पार्क के अंदर नहीं गया अलग ही। तो जो हमारा ब्लॉक का चहिता जो है वो पता नहीं आज किस साइड, कई बार तो मुझे बाहर दिख जाता है। बस यही है, वॉक कर रहा हूँ। हालांकि धूप ज़्यादा आई है, सोच रहा हूँ साइड थोड़ा सा चेंज जो है वो कर लेता हूँ ताकि धूप ना लगे मुझे। वैसे भी बहुत टैनिंग हो जाती है मुझे। तो वॉक करते हुए जो आपसे मैं बात करता हूँ ना, इसका एक मज़ा ही अलग है। आप लोगों से बात करने में बड़ा मज़ा आता है, उम्मीद है आप लोगों को भी आता होगा। और बस यही है, सपोर्ट करते रहें आप हमेशा की तरह। जनरली मैं जवाहर सर्कल वाला जो साइड है उस तरफ जाता हूँ वॉक करने, कभी कभी इस साइड जो दूसरा अपोजिट साइड है वहाँ जाता हूँ। चलो मैं करता हूँ बात थोड़ी देर में। ये आ रहा है सेंट बर्नार्ड डॉगी और अब हम निकल चुके हैं घर की ओर, पर बीच में एक बार फिर से रुकने वाले हैं। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत हमारा पत्रिका गेट जवाहर सर्कल का। लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे घूमने और लोग फोटो वगैरह क्लिक करवा रहे हैं अभी। चाय पीने के लिए मैं आया हूँ जवाहर सर्कल, जो कि जवाहर सर्कल का बैक साइड एरिया है जहाँ पे सभी स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो चाय और मैगी सोच रहा हूँ, क्योंकि दिन भर के बाद थोड़ा सा स्नैक्स या कुछ लाइट खाने की ज़रूरत होती है, इसके लिए आया हूँ मैं। और मैं आपको यहाँ पे स्टॉल्स जो हैं वो दिखाता हूँ। यहाँ से ये पूरे स्टॉल्स जो हैं ये एंड तक जाते हैं, मतलब चाउमीन से लेके पाव भाजी तक सब मिल जाता है यहाँ से। ये स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट मैं आपको मेरे जो फेवरेट हैं दो तीन जने वो आपको दिखाता हूँ। उनमें से सबसे पहले तो ये है, तो यहाँ पे चाय और जो मैगी है वो मैं पसंद करता हूँ, मैंने ऑर्डर भी कर रखी है। हाँ जी भैया, ये इंसान आपको अगर बिना मास्क के मिले तो यहाँ पे कुछ खाना पीना मत। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ी सी शिफ्टिंग होती रहती है, देना पड़ेगा। ये हमारे बुजू भैया, ये बुजू भैया की सीट जी। तो जैसे कि चाय और मैगी, मैगी और तैयार हो रही है। गर्मा गर्म मैगी तैयार है और अब हम पियेंगे चाय साथ में। हेलो गाइस, तो मैंने आपको जो कल बताया था जैसे कि मैं कुछ दोस्तों से मिला, कुछ नए दोस्त बने मेरे। तो स्पेशल क्या है उनमें कि वो थोड़े स्पेशल,
वो स्पेशल कैसे हैं क्योंकि वो डम्ब एंड डेफ है, और पांच जने हैं जो मुझे मिले थे कल जवाहर सर्कल में, और रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि अभी तक उनको पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, तो हम बात बात कर रहे थे काफ़ी, और बात करने के साथ साथ साइन लैंग्वेज जो है थोड़ी बहुत मैं सीख रहा था ताकि मैं थोड़ा सा कम्युनिकेट कर पाऊँ, ताकि मैसेज से हम लोग बात कर रहे थे। तो हमारा प्लान है वापस मिलने का जल्दी ही, तो जब भी हम लोग मिलते हैं मैं कोशिश करता हूँ आप लोग उसे मिलाने की। आई होप आपको पसंद आएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। तो मैं ही करता हूँ आज के ब्लॉग का एंड।